Hi guys, good morning. How are you all? I hope you all well. Welcome back again to our channel, Sunil Kumar KTV Stylist. I'm Sunil, and today we will talk about how to do ironing curls. जी हाँ, आज हम बात करेंगे ironing curls के बारे में. आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, सर आपने हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बता दिया, आपने टोंग कर्लिंग के बारे में बता दिया, तो प्लीज़ आप एक बारी आयरनिंग कर्ल्स से हम कैसे कर्ल्स करें, आयरनिंग कर्ल्स हम कैसे करें, इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो गाइज, आज हम बात करेंगे आयरनिंग कर्ल्स के ऊपर कि आपने कैसे अपने आयरनिंग कर्ल्स होते हैं. वैसे तो बहुत सारी टेक्निक हैं आयरनिंग कर्ल्स करने की, बट हम थोड़ा सा ईजी वे देखेंगे, थोड़ा सा फास्टर एंड ईजी वे देखेंगे कि आप सभी लोग जो है आयरनिंग से अच्छे आप कर्ल कर पाएँ. एंड बहुत ईजी वे है, बहुत आसान तरीका है. आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा एंड डिफरेंट तरीके से भी आप करते होंगे, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है, या आपके लिए भी हो सकता है अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं. तो दिस विल बी न्यू टेक्निक फॉर यू ऑल ऑल्सो. सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि हेयर स्टाइलिंग के लिए हम कौन सा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का हेयर स्ट्रेटनर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टाइलिंग पर्पज. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइलिंग पर्पज, नॉट फॉर द केमिकल पर्पज. टुडे वी विल टॉक अबाउट हेयर स्टाइलिंग पर्पज. ओके, सो गाइज, बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में. आपका आइकॉनिक है, एलन ट्रूमैन है, मिस्टर बाबर है, बिबलीज है, वेगा है, FRM है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, वॉल है. तो आप इनमें से कोई सा भी ब्रांड आप बाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर. सबके प्राइजेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अब आज हम साथ साथ में बात करेंगे कि कौन सा हेयर स्ट्रेटनर हमें यूज़ करना चाहिए, या किस तरह का हेयर स्ट्रेटनर हमें यूज़ करना चाहिए फॉर द स्टाइलिंग पर्पस. तो टुडे आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दिस वन. ओके, टुडे आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल दिस हेयर स्ट्रेटनर. इट्स एक्चुअली एलन ट्रूमैन हेयर स्ट्रेटनर. इट्स वेरी गुड. इट्स एक्चुअली ब्लैक डायमंड प्लेट. ये आपका ब्लैक डायमंड प्लेट्स के नाम से आता है. सो इसका प्लेट जो है वो सेरेमिक है एंड ये ब्लैक कलर में रहता है. तो दैट्स वाई दे कॉल्ड सेरेमिक ब्लैक डायमंड प्लेट. एंड इसमें आपका लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका टाइटेनियम स्टेनलेस प्लेट्स भी आता है, वो भी आप बाय कर सकते हो. दैट इज़ द लेटेस्ट मॉडल, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो गुड. एंड आपने स्टाइलिंग वाली आयरनिंग में क्या देखना होता है कि जो भी स्टाइलिंग के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन करी रहेगी जो आयरनिंग, वो आपकी काफ़ी स्लिम रहेगी, स्मॉल रहेगी, लाइट वेट रहेगी. स्लिम का मतलब है वो काफ़ी स्लिम रहेगी. अब आपके पास में अगर थोड़ी लंबी भी आती है ये, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. इससे थोड़ी लंबी भी आती हैं मार्केट में, वो थोड़ा और भी बेटर होती हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ी और भी स्लिम होंगी, इनसे थोड़ी लेंथ भी लंबी होगी, तो आपको कर्ल्स बनाने में ज़्यादा बेटर रहेगा. ज़्यादा थिक सेक्शन आप ले सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से आपके कर्ल्स उसमें बन जाते हैं. बट दिस इज़ ऑल्सो इनफ फॉर द कर्लिंग पर्पज, फॉर द स्टाइलिंग पर्पज यू कैन यूज़ दिस आयरनिंग ऑल्सो. ठीक है, सो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथली इससे कर्ल्स बनता है. तो आप लोगों ने मेनली इसमें देखना होता है, जो भी आप आयरनिंग बाय कर रहे हो स्टाइलिंग पर्पज से, तो जो स्टाइलिंग पर्पज से जो आयरनिंग आते हैं उनके कॉर्नर टू कॉर्नर क्या होते हैं, राउंड होते हैं, ये स्क्वायर नहीं होते. बट ऑलमोस्ट केमिकल पर्पज से जो आपके स्ट्रेटनिंग आती हैं वो थोड़ा सा ब्रॉडर रहेंगी, ब्रॉड होती हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं कॉर्नर टू कॉर्नर, क्योंकि आपको उससे केमिकल वर्क करना है या आपने स्ट्रेटनिंग करनी है. जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास में ये दूसरा आयन है. इट्स एक्चुअली बिबलीज ब्रांड, काफ़ी अच्छा ब्रांड है. इसकी आयनिंग भी बहुत अच्छी आती है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है. तो स्टाइलिंग पर्पज से इसके भी बहुत सारे आयनिंग है या लेटेस्ट मॉडल है. आप ये वाला मॉडल देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, स्लिम है, डिज़ाइन है, लेटेस्ट मॉडल पे है. आप इसको भी बाय कर सकते हैं, बट इट्स अराउंड 6 to 7,000 रुपीज़ ऑनलाइन अगर आप बाय कर सकते हो, या लेटेस्ट प्राइस आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए, आप मंगा सकते हैं. बिबलीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, वही आप बाय कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. नहीं तो ये एलन ट्रूमैन है. एंड आइकॉनिक का भी आता है, बट उसमें आप स्लिम में देखें कि स्लिम आयन कौन सा है. नहीं तो मिस्टर बाबर भी है, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो. बट अपने सामने चेक करें, कर्ल करें, कंफर्टेबल जोन देखें, अपना हीटिंग देखें कि आगे से कितना गर्म हो रहा है. इस पॉइंट से आप उसको आगे से अगर ऐसे पकड़ते हैं तो आपका थंब वगैरह जल तो नहीं रहा है. ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं एक स्ट्रेटनर में,
जैसे यहाँ आगे से पकड़ते हैं ना कई बार प्रेशर लगाने के लिए कि लाइक ऐसे करके हम करें, तो ये ज़्यादा हीट अप ना हो। एंड आप जब स्टालिंग के लिए आयनिंग देख रहे हो उसको थोड़ा जब हम स्टालिंग करते हैं तो कई बार हमें एक घंटा लग जाता है या कंटिन्यूसली ऑन रहती है मशीन, रेस्ट नहीं मिलता। तो आप ये भी देखें कि उसका प्लास्टिक मटीरियल कितना हैवी है, उसे जब आप पकड़ रहे हो तो ज़्यादा देर ऑन छोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ऐसे मीन्स अपने हैंड से आप ऐसे पकड़ ना पा रहे हों, वो उसका प्लास्टिक मटेरियल बहुत गर्म ना हो रहा हो। तो आपने इसको थोड़ा टेस्ट करनी है ये चीज़ें, कम से कम आप अपनी स्टालिंग में टेस्टिंग पर्पज़ से आप ज़रूर जब कोई नया मशीन बाय कर रहे हो तो बोलो फॉर द सैम्पल पर्पज़ आप दिखाएं जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपके सलोन में या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं देखने के लिए, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। 15-20 मिनट उसको चेक करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि कितना गर्म हो रहा है। अगर 15-20 मिनट में गर्म हो रहा है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर वो 1-2 घंटे ऑन रहा तो फिर कितना गर्म होगा। ठीक है, सो आज से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन सा स्ट्रेटनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। यू कैन यूज़ दिस हेयर स्ट्रेटनर ऑल्सो बिकॉज आई एम यूजिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, मैं इसको काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और इसके जो इफेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ इससे कर्ल्स बनते हैं, अटकता नहीं है। कई बार आइनिंग में होता है ना कि आपका बाल अटक जाता है, बट इसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी प्लेट्स अभी भी वही स्मूथ हैं, कॉम्पैक्ट हैं, छोटी हैं, ज़्यादा हैवी नहीं है, इट्स मे बी 1 इंच एंड इसकी लेंथ जो है वो 4.5 इंच या 4 इंच के आसपास होगी, बट काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, स्टालिंग पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू ऑल फॉर द केमिकल पर्पज़, ये केमिकल पर्पज़ से नहीं है, ठीक है, बिकॉज छोटी सी है ना तो आपको केमिकल पर्पज़ से थोड़ी हैवी आइनिंग चाहिए। तो केमिकल पर्पज़ से आप ये इस टाइप का आप हेयर स्ट्रेटनर ले सकते हैं, ये बेबलीस का टाइटेनियम प्लस है, ऑनलाइन देख सकते हैं आप, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, नहीं तो और सारे ब्रांड भी हैं, नहीं तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि आप कौन कौन से हेयर स्ट्रेटनर आप बाय कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा हेयर स्ट्रेटनर के लिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं इससे कर्ल्स कैसे बनाने हैं, कौन सा टेक्निक आपके लिए ईजी रहेगा कर्ल्स पैटर्न के लिए। सो लेट्स सी, सो ये है हमारी मॉडल और इसके ऊपर हम कर्ल्स बनाने वाले हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम बोथ ऑफ साइड में देखेंगे, लास्ट टाइम हमने जब कर्ल बनाए थे तो एक ही साइड किया था, तो किसी ने बोला था तो दूसरी साइड से भी सर करके दिखाएं बिकॉज ऑफ थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो आज हम दोनों साइड से करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कर्ल कैसे करने हैं। बैक पॉइंट में भी सेम टेक्निक रहेगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू इन द बोथ पॉइंट, ठीक है, बोथ साइड से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। ओके, सो हम इसमें कर्ल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने पार्टीशन डिवाइड कर लेनी है। सो ये हमने इस साइड पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू इन द साइड पॉइंट, यहाँ पे हम इसको कर्ल्स बनाएंगे। सो सपोज आपने इस पॉइंट पे हमने कर्ल्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे, हमने एक छोटा सा सेक्शन लेना है। जब भी आप फ्रंट पे कर्ल्स करते हैं इन फ्रंट पॉइंट पे, आपको कर्ल्स जो होते हैं वो बैकवर्ड की तरफ देने होते हैं ताकि क्लाइंट के फेस पे थोड़ा वॉल्यूम भी आता है और आपके कर्ल्स काफ़ी हैवी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उनकी लुक जो है काफ़ी अच्छी आती है। तो आप यहाँ से आप स्ट्रेट सेक्शन भी ले सकते हो और आप डायगोनल सेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों टाइप के सेक्शन आप ले सकते हो। डायगोनल लेने से ये होगा कि आपको यहीं से आउटवर्ड लुक मिलेगा, यहीं से आउटवर्ड लुक मिलेगा, और अगर आप यहाँ से नीचे और आपको एजेस एजेस पॉइंट पे आपको कर्ल चाहिए या कर्ल इस पॉइंट से चाहिए तो आप यहीं से उसको टर्न करोगे, यहाँ से चाहिए तो नीचे से टर्न करोगे, इस पॉइंट पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे चाहिए तो केवल एजेस एजेस पॉइंट को टर्न करोगे। आपको या क्लाइंट को कर्ल्स चाहिए कहाँ से, वहीं से आपने आइनिंग को टर्न कर देना है, दैट्स इट, कर्ल पैटर्न वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपने ये डायगोनल सेक्शन लिया हमने और अब आपने क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली देख लेना है या क्लाइंट को पूछ लेना कि मैम आपको कर्ल्स कहाँ से चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप डिसाइड करते हैं कर्ल्स को आपको इस लेंथ से शो करना है, तो सपोज़ हम यहाँ से इसको शो कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो आपने आइनिंग लेनी है। अभी देखो ये एलन टू मैन ऊपर लिखा हुआ है, आपने जस्ट कुछ नहीं करना, ये थंब ऊपर है हमारा, हम नॉर्मल आइनिंग स्ट्रेटनिंग के लिए ऐसे पकड़ते हैं, तो आपने थंब नीचे कर देना है, ठीक है, और इसको पकड़ना है और फिर इसको घुमा देना है अप डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा पकड़ा आपने, इसको आपने टर्न करना है, इसको आपने पकड़ देना है ऐसे, ये आप देख सकते हैं ऐसे पकड़ना है और इसको आपको घुमा देना है, वन टर्न, एक टर्न घुमाना है बस, और इसको आप स्ट्रेटली स्लोली स्लोली आपने चलना है,
ये हेयर को आप ग्रिप करेंगे और आराम आराम से आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना है, स्लोली स्लोली। इस पर हीट लगना चाहिए और ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना, बाल आपका स्लिप होना चाहिए इसके अंदर से और हेयर में आपकी हीट भी लगनी ज़रूरी है। अगर आप हीट नहीं लगाओगे तो फिर कर्ल्स नहीं बनेगा, सो मेक श्योर आपको हेयर में हीट लगानी है। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है इसको, थोड़ा स्मूथली चलेंगे हम ताकि आपका कर्ल बने। टेम्परेचर आप रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर के अकॉर्डिंगली। सी आप देख सकते हैं ये आपका बन गया है आरनिंग कर्ल्स। से आप देख सकते हैं ये कितना टाइट बना है, ऐसे आप बना सकते हैं और भी कर्ल्स। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये यहीं से आया है, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। सपोज़ क्लाइंट को ये बिल्कुल एजिस एजिस पॉइंट पे चाहिए, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ऊपर स्ट्रेट, मुझे केवल नीचे लेंथ लेंथ पे कर्ल्स चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी क्लाइंट बोल रहा है कि उसको सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए, हैवी कर्ल्स नहीं। ये थोड़ा सा टाइट बन गया है बिकॉज हमने टेम्परेचर और थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में किया। अब क्लाइंट को चाहिए सॉफ्टर कर्ल्स, तो आप कैसे करोगे। ऊपर से आपने थोड़ा स्ट्रेट किया, ऊपर से हमें थोड़ा स्ट्रेटन लुक चाहिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसको हल्का सा आउटवर्ड करना है, तो यहीं पे आप इसको हल्का सा आउट करोगे और आपने स्ट्रेटली चलना है और जल्दी चलना है बिकॉज हमें ये ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा सॉफ्टर लुक में चाहिए। तो ये आपका हल्का सा सॉफ्टर कर्ल्स आप देख सकते हैं, ये एंड एंड पे बना है, एजिस पॉइंट पे बना है और लूज बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सॉफ्टर कर्ल्स बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कहाँ से चाहिए। देखो पहला हमने यहाँ से किया तो ये ऊपर आया, दूसरा हमने यहाँ से किया तो ये यहीं पे आया। अगर आपको यहाँ ऊपर से भी चाहिए तो आपको यहीं से इसको टर्न करना पड़ेगा, आपका आयनिंग कर्ल्स वहीं से आएगा। और गाइस आयनिंग कर्ल्स आपका ज़्यादा लास्ट करता है अगर आप कंपेयर करेंगे कलर मशीन से, बट उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर बार ज़्यादा लास्ट करेगा। आपका अगर मिड लेंथ है, आपका अगर लेयरिंग हेयर कट है, उसमें आप अगर टाइट करके आयनिंग कर्ल्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा स्टे करता है। और अगर आपका वन लेंथ हेयर है, लॉन्ग हेयर है, ज़्यादा लंबा है बाल, तो फिर उसमें आपके आयनिंग कर्ल्स ज़्यादा स्टे नहीं करते, आपके टॉन्ग कर्ल्स ही ज़्यादा स्टे करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने कैसे हेयर में आपने कर्लिंग मशीन से बनाना है। मीन्स अगर लॉन्ग हेयर हैं, ज़्यादा लंबे बाल हैं, तो आप टोंग से कर्ल करें, और अगर शॉर्ट हेयर है या मीडियम लेंथ है तो आप आइनिंग से कर्ल्स बना सकते हो, वो अच्छा भी लगेगा और लॉन्ग टाइम भी चलेगा, ठीक है। सो इसको हम पहले अगेन स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा ऊपर से हमें स्ट्रेटन इफेक्ट चाहिए। अब देखिए आपको कर्ल कहाँ से चाहिए। अब सपोज़ वी नीड कर्ल फ्रॉम इन दिस पॉइंट, यहाँ से हमें कर्ल चाहिए, तो हम इसको यहीं से आउट करेंगे। कैसे किया हमने, सी ये ऐसे हम आप स्ट्रेटनर को पकड़ते हो, थंब नीचे, इसको ग्रिप किया और इसको आउट कर दिया, ठीक है। और इसको आपने ग्रिप करते हुए स्लोली स्लोली आपने डाउन डायरेक्शन में आना है। आप देख सकते हैं ये पकड़ के हम इस तरीके से हम डाउन डायरेक्शन में आ रहे हैं, आपने ऐसे नहीं रखना, थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में रखना है ताकि कर्ल्स का एंगल वैसे आए, ठीक है। और इसको प्लेट्स के बीच में रखें, ग्रिप बना के रखें, इस सेक्शन को प्लेट्स के बीच में रखना है आपने, ये देखिए इस तरीके से। और स्लोली स्लोली हम चल रहे हैं एजेस पॉइंट को लेते हुए, आराम आराम से चलें, इसको प्लेट्स के बीच में रखें, ग्रिप नहीं छोड़नी, यहाँ से हमने अच्छी ग्रिप बना रखी है और चलते चले जाएं, चलते चले जाएं। एंड आप देख सकते हैं ये बन गया है आपका आरनिंग कर्ल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने इसको बिल्कुल टॉप पॉइंट से, यहीं से हमने इसको टर्न किया था, तो ये कर्ल्स बिल्कुल ऊपर से आया है। तो ऐसे आप क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से एंड अलग अलग तरह के कर्ल्स, डिपेंड करता है आप कहाँ से बना रहे हो, आयनिंग को आप कहाँ से टर्न करो, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब इसको हमने पीछे की तरफ किया, पीछे की तरफ मीन्स, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये ऐसे आउटवर्ड गया है, तो हमने क्या किया, इसको ये पकड़ा इसको, ठीक है, ये एलन ट्रूमैन ऊपर है, इसको आपने थंब देखो नीचे है, ये मेरा थंब नीचे है, हमने इसको पकड़ा और इसको फ्रंट की तरफ डाला इधर, ठीक है, और इसको टर्न कर दिया, किधर डाला, हेड की तरफ, जो आइनिंग है इसकी हेड की तरफ आपने इसको डाला एंड देन इसको टर्न कर दिया, तो कर्ल्स जो है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में,
अवे फ्रॉम फेस, फेस से दूर जा रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी तरफ मैं बताऊंगा आपको आपने कैसे करना है। सी, तो आई एम जस्ट चेंजिंग द प्लेसमेंट, हमने प्लेसमेंट चेंज कर ली है और अब हम इस पॉइंट पे जो है आपके आइनिंग कर्ल्स क्रिएट करेंगे। तो टेक्निक सेम रहने वाले हैं, हम टेक्निक जो है हमारी सेम रहेगी। सो ये आपके साइड के सेक्शंस हैं और बॉक्स सेक्शन जो है आप सेपरेट कर लेंगे, पार्टीशन लेफ्ट राइट कहीं भी आप दे सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट के फेस पे कौन सी पार्टीशन ज़्यादा अच्छी लग रही है उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। सो इस पॉइंट से भी आपने क्या करना है, इस पॉइंट से भी क्या करना है आपने, सेम सेक्शनिंग हम इस पॉइंट से भी ड्रॉ करने वाले हैं। सो यहाँ से भी आपने डायगोनल सेक्शन रखना है और डायगोनल सेक्शन लेने के बाद इसमें भी आपने कर्ल्स बनाना है। अब आप देखेंगे आपको कर्ल्स का पैटर्न कहाँ से चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आपने इसको हल्का सा नीट किया। अब कर्ल्स का पैटर्न कहाँ से चाहिए आपको, आउटवर्ड, सेम टेक्निक है यहाँ पे भी। देखो ऐसे हम नॉर्मल आइनिंग के लिए पकड़ते हैं इसे, तो आपने ऐसे पकड़ना है एंड ये आइन ऐसे पकड़ा, थंब को नीचे किया, यहाँ पे इसको ग्रिप किया और सेक्शन जो है बैकवर्ड की तरफ, ये पीछे की तरफ गया। जब आप अदर साइड पे जाएंगे इसको टर्न करेंगे, ग्रिप करेंगे और जो आप सीधे आगे की तरफ आओ या अपने फेस की तरफ या चिन की तरफ आप इसको कर लो तो इसमें थोड़ा वॉल्यूम अच्छा आएगा। सो आपने स्लोली स्लोली चलना है, आराम आराम से आप इसमें चलेंगे और इसमें हीट लगना चाहिए, हीट लगेगा तभी आपका कर्ल्स बनेगा। अगर आप हीट नहीं लगाओगे तो या बहुत जल्दी जाओगे या बहुत जल्दी आप आइनिंग को स्लिप आउट करोगे तो फिर आपका कर्ल्स नहीं बनेगा, ठीक है, या वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। ओरिजिनल हेयर में बहुत जल्दी बनते हैं कर्ल्स, बिकॉज ऑफ ओरिजिनल हेयर बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है आपके मैकेनिकल वर्क में या जो भी आप कर्ल्स पैटर्न बनाते हैं। मैनिक्योर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैनिक्योर में थोड़ा ज़्यादा आपको आराम से करना पड़ेगा, ठीक है। सो सेम टेक्निक वी आर यूजिंग हेयर ऑल्सो एंड जस्ट लीव। सी आप देख सकते हैं ये भी आपका आउटवर्ड, यहीं से हमने इसको टर्न आउट किया था और यहीं से ये आउट कर्ल बन गया, देखो कितना टाइट बना है और ये आपका बहुत लॉन्ग लास्ट चलता है। बिकॉज ऑफ आयरनिंग में हीट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपका कर्ल्स जो है वो ज़्यादा टाइट बनता है अगर आप टोंग से कंपेयर करेंगे तो। सो ये वाला सेक्शन भी है, इसको भी आप आउटवर्ड कर्ल करेंगे। सो अब इसमें आप मान के चलें आपको सेम कर्ल पैटर्न क्रिएट करना है, बट कहाँ से, ये आपने यहाँ से किया और ये आपको यहाँ से चाहिए बिल्कुल अपर पार्ट से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये आइनिंग पकड़ी हमने, थंब को नीचे किया, जस्ट इसको ग्रिप करना है एंड जस्ट सेक्शन को आउटवर्ड पीछे की तरफ डाला, इसको ग्रिप किया, सेक्शन को यहाँ होल्ड कर लें एंड स्लोली स्लोली आप फ्रंट की तरफ भी आएंगे तो कर्ल्स आपका बन जाएगा, ठीक है। बट हीट लगनी चाहिए, आपने इसमें हीट रखनी है। टेम्परेचर आप कितना रखेंगे, फाइन हेयर है तो आप इसमें 170 से 190 रख सकते हो। अगर आपके मीडियम थिक हेयर है, इफ़ यू हैव मीडियम थिक हेयर देन यू कैन पुट द टेम्परेचर 200 to 210 एंड इफ़ यू हैव हीना कोटेड हेयर एंड थिक हेयर देन यू कैन पुट द टेम्परेचर 210 to 235, गॉट इट। सो इसमें 235 तक होता है तो मैक्सिमम हीट तक आप कर सकते हो और मिनिमम आप 210 तक आप कर सकते हो। सो ये भी आपने करना है, जस्ट स्लोली स्लोली एंड जस्ट इन द एजेस पॉइंट पे भी आप थोड़ा होल्ड करेंगे एंड जस्ट गो। सी अब देखिए ये हमने बिल्कुल यहीं से आउट किया था तो आपका कर्ल जो है वो थोड़ा और ऊपर से आया है। अगर हम इसको बिल्कुल यहीं से करेंगे तो ये यहीं से भी आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, चलिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, आएगा नहीं आएगा, आप सोच रहे हैं सर नहीं आएगा, चलिए तो मैं यहीं से फिर इसका लुक ख़राब हो जाएगा, नहीं तो चलो मैं दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे, ठीक है, बिल्कुल यहीं से टर्न आउट करेंगे और देखते हैं ये आता है नहीं आता है, ठीक है। बाय टेक्निक ये आएगा, ठीक है, बाय टेक्निक ये आएगा। सी तो यहीं पे हमने इसको यहाँ पे पकड़ा और यहीं से जस्ट इसको टर्न आउट कर दिया। अब रूट से हमने इसको टर्न आउट कर दिया, प्रोसेस सेम चल रहा है, स्लोली स्लोली हम इसमें डाउन आएंगे। सी स्ट्रेट ही चल रहे हैं, हीट लगना चाहिए, आप लोगों को कहा है मैंने, सी मस्ट है, हीट लगना चाहिए तभी आपका कर्ल्स बनेगा। स्लोली स्लोली चलते चले जाएंगे हम, चलते चले जाएंगे
आराम आराम से हीट लगनी चाहिए। मैनिक्यून में जो आप टेम्परेचर रखोगे, डम्मी में जो टेम्परेचर रखना है वो आपने रखना है 170 से 190, इतने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादा इंक्रीज़ करने की नीड नहीं है। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करके करोगे तो ये मत सोचो कि कल ज़्यादा बनेगा, हो सकता है आपका डम्मी का बाल जल भी सकता है अगर उसकी सिंथेटिक क्वालिटी ज़्यादा रहेगी और ड्राई भी हो सकती है। ओके, सो हमने इसको बिल्कुल यहीं ऊपर से टर्न किया था। सी, आप देख सकते हैं ये यहीं से टर्न हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट चाहिए वहीं से आपको आइनिंग को टर्न करना है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट चाहिए, जैसे कि हमने अदर साइड पे सपोज मुझे यहाँ से कर्ल चाहिए तो यहीं से टर्न करना है और सेक्शन को उठा के कर्ल करें ताकि उसमें थोड़ा वॉल्यूम मिले, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ऊपर से आया है, बट इतने ऊपर से कर्ल अच्छा नहीं लगता। हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, तो आई एम जस्ट डूइंग लिटिल स्ट्रेट फ्रॉम हियर कि वो फेस में थोड़ा सा फ्रेम रहना चाहिए, एकदम ऊपर से भी कर्ल्स नहीं करने आपने, ठीक है। सो इसको हमने कर लिया है स्ट्रेट इस तरीके से, एंड देन इसको यहाँ से आपने आउटवर्ड ये जा ही रहा है, ठीक है। सी, सो नाउ इट्स बेटर, पहले से बेहतर है। और ये वाला सपोज हम पार्टीशन इधर दे रहे हैं तो आप इधर भी इसको कर्ल्स बना सकते हैं। सपोज ये पूरा सेक्शन है तो इसको आपने, अभी हम इस पर कोई बैक स्टालिंग नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको मर्ज कर रहे हैं इसके साथ में, तो आप इसको भी आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्ल कर लें। सेम टेक्निक, इसको प्रेस किया, बैकवर्ड डाला पीछे की साइड में और उस तरफ से जब फ्रंट की तरफ। कर्ल्स किस डायरेक्शन में चाहिए डिपेंड करता है। अगर आपको फ्रंट की डायरेक्शन में चाहिए तो आप एक बार इस साइड से डालोगे, एक बार उस साइड से डालेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बैक पॉइंट पे भी सेम टेक्निक यूज़ रहेगा। जो आपके लेफ्ट के कर्ल्स रहेंगे आपने फ्रंट की साइड से डालना है इसमें, और जो आपके उस साइड के कर्ल्स होंगे वो आपने बैकवर्ड की डायरेक्शन में डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैक पॉइंट पे भी कर्ल्स बना सकते हैं, रिजल्ट विल कम वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपके कर्ल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलेंगे, ठीक है। बट लेयरिंग हेयर में आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप लेयरिंग हेयर में करें इसे। सही, तो ये आपने बना दिया है और ये कुछ ओपन स्टालिंग में आप क्लाइंटेल के ऊपर आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये फॉल लुक, यहाँ से आप क्रिएट करें। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। बैक पॉइंट पे कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, बस डायरेक्शन थोड़ी चेंज रहेंगी। सो सपोज़ ये आपके पास में आप बैक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कैसा रहेगा। इसमें आपने सपोज़ हमने इसमें 1, 2, 3, 4 सेक्शन आप इसमें ले लीजिए, ठीक है। 4 सेक्शन सपोज हम इसमें ले रहे हैं, बट मैं इसमें 2 सेक्शन में ही कर रहा हूँ तो आप लोगों को शो करने के लिए। सो कैसे करना है, एक बार आपने सी, ये नॉर्मल जैसे हम इसको ग्रिप करते हैं वैसे हमने इसको रखा हुआ है, लाइक जैसे स्ट्रेटनिंग के लिए पकड़ते हैं ये नीचे जाएगा, एंड नाउ इसको यहाँ पर हम ग्रिप करेंगे सेक्शन बैक की तरफ। पहले आप सेक्शन बैक की तरफ क्योंकि डायरेक्शन उधर चाहिए हमें, एंड देन स्लोली डाउन, स्लोली आप डाउन चलेंगे, चलते चले जाएंगे एजेस पॉइंट तक। आपने कंटिन्यूसली हीट लगती रहनी चाहिए, हीट लगनी चाहिए। टेम्परेचर चेक करिएगा, डिपेंड्स ऑन हेयर टेक्सचर, फाइन है, मीडियम है, थिक है। सो ये आपने बना लिया है तो इसके डायरेक्शन उस साइड है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन उधर है। अब उधर वाले को आपने इस साइड करना है, तो इसमें हमने क्या किया, सेक्शन को बैक की तरफ डाला और उस तरह से हम सेक्शन फ्रंट की तरफ डालेंगे। अब हम इस वाले सेक्शन को करेंगे, इसको आपने ग्रिप करना है, सेक्शन फ्रंट की तरफ जाएगा, एंड जस्ट टर्न, इसको आपने टर्न करना है, एंड स्लोली आपने जो है वो एंड की तरफ चलते चले जाना है। हीट लगना चाहिए, स्लोली हम इसमें जो है हीट लगाते हुए स्लोली स्लो प्रोसेस में चलेंगे ताकि सेक्शंस के ऊपर हीट भी लगे, हीट के थ्रू ही आपका कर्ल्स बनेगा, बहुत जल्दी नहीं चलना। सो एजेस पॉइंट को भी बिल्कुल आइनिंग की प्लेट्स के बीच में आपने ले जाना है। सी, सो आप देख सकते हैं बोथ की डायरेक्शन आमने सामने है बिल्कुल ऐसे, तो दोनों कर्ल्स जो हैं वो आपके आमने सामने हो गए हैं। यू कैन सी द रिजल्ट, गॉट इट।
तो इसको आप दो छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, वन एंड टू, और ये वाला भी आपका वन एंड टू, ठीक है। एक और बना सकते हैं आप, उसको डिवाइड कर सकते हैं। सी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कल्स आपके बनेंगे बाय आयरनिंग मशीन। एंड इसको भी हम लीव कर लेते हैं, और ये है इसका फ्रंट लुक, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक। और इसको आप फॉल में दे सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए फ्रंट पे, तो यहाँ पे आप हल्का सा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय बैक कॉमिंग के साथ। तो ये कर्ल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इनको आप बाद में फ्लफ़ी बनाना चाहे तो फ्लफ़ी भी बना सकते हैं, वॉल्यूम को और इन्हांस आप कर सकते हैं, और इनको और भी ज़्यादा सुंदर आप बना सकते हैं। सो ओके गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू डू आयरनिंग कर्ल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों ने आयरनिंग कर्ल्स कैसे बनाने हैं और किस टाइप का हेयर स्ट्रेटनर आपको यूज़ करना चाहिए स्टाइलिंग के लिए। ये एलन ट्रूमैन का आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से, और इसको आप गूगल पे बाय करके आप कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अभी जो इस टाइम पर आपको आसानी से अवेलेबल हो सकता है तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। सो ओके गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट हेयर आयरनिंग कर्ल्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सुनील कुमार क्रिएटिव हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से ही यह हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर आपके आंसर कर सकते हैं, डेफिनेटली विल रिप्लाई यू। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में, अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर हैं 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पर कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।